गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज तो सुबह सुबह मैं किचन में मिल रही हूँ आप सबसे, सुबह का खाना बना रही हूँ। और आज सुबह में हम लोग बना रहे हैं, ये है बीन्स और आलू का खार, और यहाँ है ये भिंडी फ्राई। और तो देखते हैं अंडा बॉईल करूँगी या नहीं, वो अंडा बॉईल करूँगी बोल हस्बैंड बोला खाएंगे, तो अभी इसे रख के दूसरी जगह रख के इसमें आलू अंडा बॉईल करेंगे। और अंडा खाएंगे क्या? हाँ अंडा खाएंगे क्या? जादू हो गया नीचे वो, तो आज अंडा नहीं खाएंगे। गुड मॉर्निंग, बाद में खाएगा। बोल दो गुड मॉर्निंग, अभी दोपहर शाम ही हो गया, 5 बज रहा है और मैंने सारा दिन भर कुछ नहीं किया। कपड़ा सुखाया, कद्दू कपड़ा धोया था और फिर क्रोशेट का काम किया, इसलिए मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। और अभी मैं कुछ स्पेशल क्या बोलूँ कुछ करूँगी, तो सोचा उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। वो है ये जारू, मतलब बाजार में जैसा हम लोगों को रेडीमेड मिलता है पूरा रेडी, वैसा नहीं है। हस्बैंड ने जैसा खुला जंगल से तोड़ के ला के जो बेचते हैं वैसे ही है, तो इससे मैं अभी यूज़ करने के लिए रेडी करूँगी। तो आप सभी को दिखाऊँगी कि मैं इसे क्या लुक देती हूँ जारू को। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो बांध के रखा था इसको खोल दिया है, देखिए पूरा खोल दिया है। और मैंने प्रेजेंट में मेरे पास सिर्फ यही एक 10 रुपया का बिस्लेरी का बॉटल है। दूसरा कलर का मतलब दूसरा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होने से तो अच्छा होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो हस्बैंड हमें पिलाते नहीं, इसलिए हमारे पास कोल्ड ड्रिंक का बॉटल भी नहीं है। तो ये बिस्लेरी का बॉटल है, तो इसका मैं प्लास्टिक को दे रही हूँ और इसका ये साइड का पोर्शन काट दूँगी और इस साइड का भी पोर्शन काट देंगी मैं। ये बिफोर का लुक है, ये सारा पाउडर को इग्नोर कीजिएगा, ये यहाँ का ये जो गिरा हुआ है। तो बिफोर कुछ ऐसा है, हस्बैंड ने ये इसे बाजार से डायरेक्ट ऐसे ही खुला ही लाया था, तो इससे हम लोगों ने ऊपर सेट में 2 दिन सूखने को दिया। तो अभी मैं इसका आफ्टर लुक दिखाती हूँ। और इस साइड का भी काट दिया है, देखिए दोनों साइड से भी मैंने काट दिया है, दोनों साइड से भी खुला है। तो अभी मैं इसे यहाँ पे डाल दूँगी। इसे यहाँ जहाँ तक लाएंगे, जहाँ तक मतलब अब मैं जो हाथ पकड़ के जो जा रही हूँ वहाँ तक लाऊंगी, उसका हाइट को हिसाब करके। तो मैं उठ के देख लेती हूँ, यहाँ पे होना पड़ेगा तो यहाँ तक रखूँगी कुछ इस तरह से। देखिए मैंने बॉटल के अंदर में डाल लिया है, अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और अभी इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आप सभी को लेकर जाती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये एक पूरा लंबा गमछा, एक मोटा गमछा ले लिया है मैंने, कॉटन का गमछा ले लिया है पूरा, देखिए बड़ा है, मैंने मोटा सा फोल्ड कर लिया है। क्योंकि मोटा सा फोल्ड किया है इसका रीज़न है कि मेरे हाथ में ना लग जाए गर्मी इसके लिए, वरना मेरा हाथ भी जल सकते हैं, तो जलने से बचाने के लिए मोटा सा ऐसा बड़ा करके ले लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है, पहले मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। और ये जारू नया है, अब तक जारू नहीं गया, इसलिए मैं इस चूल्हा में से रख रही हूँ। जब यूज़ किया हुआ होता तो मैं नहीं रखती। तो फिलहाल तो मैं दिखाती हूँ, देखिए अभी टाइट कर लेंगे कमचा से, और एक प्लास्टिक देना पड़ेगा, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पतला है, कोल्ड ड्रिंक का प्लास्टिक होने से तो अच्छा होता। टाइट तो हो गया है, ये टाइट हो गया है नो डाउट, लेकिन पतला है, कुछ कुछ साइड में जल भी गया है, तो और एक प्लास्टिक ढूंढ के इसको डालना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ बाद में, एक प्लास्टिक ढूंढ लेती हूँ।
इससे भी बंद कर देती हूँ। नीचे से जाके ये कोका कोला का ये बोतल लाई हूँ, हमारे रूम में नहीं थी तो नीचे जाके मैं लेके आई हूँ ये कोका कोला का। तो इसे भी ऊपर का और नीचे का काट दूंगी, फिर पहले जैसे डाल के रखा था वैसे उसके ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि पहले का वाला बहुत ही ज़्यादा पतला था, वो जल जा फट जा रहा था, तो इसके ऊपर इसे फिर और एक लेयर दे दूंगी। तो मैंने काट के इसे डाल दिया है, देखिए कोका कोला का ये थोड़ा ज़्यादा पहले से हार्ड है तो इसे डाल दिया है। इससे भी अभी मैं सेम प्रोसेस में करूँगी, तो मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। जब तक यह झाड़ू ठंडा नहीं होता है, ऊपर का साइड में जब तक ठंडा नहीं होता है, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ इस झाड़ू का ही। इसका जो फूल बोलूँ या क्या बोलूँ, जो पाउडर निकलता है उसको और निकालना है, ताकि झाड़ू देते वक्त उसका पाउडर ना निकले। तो अभी मैं और एक काम करती हूँ जो आप सभी को अभी दिखाऊँगी। ये देखिए इसका पाउडर बोलूँ या सूखा हुआ फूल बोलूँ मालूम नहीं, तो ये तो गिर रहा है और इससे गिराऊँगी हूँ मैं। पेड़ को ऐसे ही चलाते रहूँगी, बस 10 से 15 मिनट तक सब साइड में ऐसे ही चलाते रहूँगी। हो गया है, काफ़ी तो गिरा दिया है, अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए ये इतना सारा गिर गया है। मैंने एक काट का टुकड़ा ले लिया है, फिर एक ये दाव ले लिया है, और अभी इसका जैसे हमारा हेयर कट करते हैं कैंची से, मैं इससे इसका हेयर कट करूँगी झाड़ू का। इसको मतलब थोड़ा लेवल करूँगी, क्योंकि लास्ट में देखिए थोड़ा सा इसका पूछ ही है और कुछ नहीं, तो इसको मैं थोड़ा लेवल करूँगी, इसको काट दूँगी। इससे अच्छे से हाथ में ले लेते हैं, पता चला इसको काटने का चक्कर में खुद का हाथ ही काट ना दे, हस्बैंड के एब्सेंट में आके डांट खाऊंगी वरना। तो अभी इससे मैं काटूंगी, पता नहीं किसका बदला ले रही हूँ। काट दिया, देखिए मैंने इसको थोड़ा लेवल कर दिया, अभी देखने में भी सुंदर लग रहा है ये। और अभी इस साइड के भी थोड़ा काटूंगी, इस साइड का वाला कितनी नहीं तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसका थोड़ा काटूंगी मैं। मैंने झाड़ू कंप्लीट कर लिया है, ये है फाइनल लुक मेरा झाड़ू का। मैंने आगे और पीछे में सलर टिप लगा दिया, ब्राउन टिप मार दिया है, और मिडिल में जहाँ पर मैंने प्लास्टिक बोतल डाला था वहाँ पे ऐसा कपड़े से बांध दिया है, ताकि ऐसे पकड़ने के टाइम थोड़ा सॉफ्ट रहे, मेरा हाथ में कोई अटक ना जाए, तो इसीलिए ये मैंने झाड़ू बना दिया है फाइनली। देखिए सुंदर सा, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, पहले तो बहुत मोटा हो गया था, लेकिन इसको जो मैंने काफ़ी देर पैर चलाया, इसका पाउडर सब गिरने के बाद थोड़ा हैवी कम हो गया, अभी इतना भारी नहीं है। और इस साइड के भी तो थोड़ा काट दिया था, इसलिए इससे अभी हल्का हो गया है, आराम से मैं झाड़ू दे पाऊँगी। देखिए और इसका पाउडर भी नहीं गिर रहा है अभी, तो जो थोड़ा बोर्ड है वो तो जब मैं यूज़ करते जाऊंगी तब ऐसे गिरते जाएंगे, तो बाद में ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दोनों पापा, मेरे पापा और मेरा फादर इन लॉ सोचेंगे, वाह मेरे बहू को, मेरी बेटी को झाड़ू बनाना आता है। तो फाइनली मैंने बना लिया है। वैसे मेरे ससुर जी ने गोंजू में बना के रखा था, लेकिन हम लोग वही ला ले के आने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्रॉब्लम मंस ऑलरेडी इतना सारा बैक होता है कि फिर झाड़ू को अलग से पकड़ूँ तो उसके लिए हार्ड एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर भी मैंने यहाँ बना लिया है अच्छे से। इसको हम लोग बाजार में ख़रीदने जाने से तो शायद से 100 का ऊपर में गिरेगा। हस्बैंड जो पतला करके एक लाया था उसका प्राइस 60 था, और ये तो बहुत मोटा बनाया है मैंने, तो इसका तो और ज़्यादा दाम होता। तो फाइनली मेरा झाड़ू बन गया। मैंने झाड़ू भी बना लिया था, और झाड़ू भी बनाना कंप्लीट हो गया, और हस्बैंड भी आ गया है ना, और आते हस्बैंड बोल रहा है बैडमिंटन खेलना है, अंधेरा होने वाला है जल्दी करो ये, क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन हो गया बारिश की वजह से बैडमिंटन नहीं खेला था। और आपको मेरा झाड़ू कैसा लगा?
आई थिंक इट्स फार बेटर देन जो यहाँ हम खरीदते हैं।